आपने कभी ऐसा देखा हो मतलब कि पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज बॉलीवुड काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप ले सकते हो कि आप और मैं अगर सेम फिल्म में काम कर रहे हैं तो मैंने आपके काफ़ी रोल कटवा दिए हों वैसे एग्जांपल्स हैं सुने भी है सुने हुए भी हैं लोगों ने एक्ट्रेस जो है उनको चेंज करवाया हुआ है तो सुशांत को मैं बहुत बार मिला मिलाऊँ अच्छे रिलेशंस रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफ़ी सारी बातें हुई हैं इवन दो एक बार मैं मुंबई में फंसा था तब सुशांत ने मुझे हेल्प की थी मेरी फ्लाइट चली जा रही और उस टाइम पे मैं फ़्लाइट दूसरी अफोर्ड कर पाऊँ वैसा नहीं था बहुत दिलदार बंदा था यार मतलब वो कभी ये चीज़ सोच ही नहीं सकता मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जब भी शायद ये पॉडकास्ट बाहर आया उसके बाद वो मेरे क्लाइंट रहे ना रहे बट तो ये चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ पंद्रह दिन के अंदर सवा करोड़ रुपए डाले थे और अपने अलग अलग आर्टिकल्स निकलवाए थे सिर्फ अपना प्रमोशन करने के लिए ना अपनी कोई ब्रांड सवा करोड़ मतलब पंद्रह दिन में वेलकम आर निशित कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके और सेटअप देख के सेटअप बहुत बढ़िया है एकदम बढ़िया और फेंकना मत यार नहीं नहीं कूल एक्चुअली बट इट्स नाइस नाइस सेटअप बहुत वक्त के बाद आपके साथ बात हो रही है बहुत वक्त के बाद माइक से बात कर रहे हो मतलब माइक पास में ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है माइक बहुत टाइम के बाद यस और आपको भी बहुत वेट करवाने के बाद वो तो आप बहुत बड़े आदमी हो यार नहीं नहीं, कोई so... कोई को, बड़ा बड़ा छोटा कोई नहीं होता सब सब यहीं पर जमीन से जुड़े हुए हैं सबके सब, के सब। <laughs> ये सब टैग हम लोगों ने एक दूसरे को दे दिए हैं स्टिकर्स हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हुए हैं एवरी इज जजिंग बाई बड़ा छोटा ऐसा कोई नहीं है सड़क पे खेलने वाला बच्चा और यहाँ पे बैठे हम सब एक, एक एक ही है ये जो आज हमारा जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग है कि कैसे किसी को बड़ा और कैसे किसी को छोटा दिखाया जाए इट्स रिगार्डिंग दिस जाएंगीवुड पी आर एक्टिविटीज बिल्कुल तो आप बताइए कि पी आर एक्टिविटी होता क्या है बेसिकली पी आर का मतलब फुल पी आर का मतलब इंसान से इंसान तक जुड़ना होता है वैसे बट लोग बदलते जाते हैं डेफिनेशन पी आर की हुँ. जैसे अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि पी आर किसी के लिए प्रेस रिलीज है हुँ. किसी के लिए पब्लिक रिलेशन है किसी के लिए पर्सनल रिलेशन है personal तो अलग-अलग डेफिनेशन अलग-अलग है लेकिन पीआर एक्चुअल जो है वो है पब्लिक रिलेशन पब्लिक के साथ आपकी चीजें आपने जो चीज आप जो काम कर रहे हो वो कैसे पहुंचाया जाए अच्छे तरीके से अच्छे तौर तो तरीके से कैसे पहुंचाया जाए तो ये और पीआर आए दिन अभी तो सब इट्स डिपेंडेड ऑन द मनी 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 देखा है मैंने कई पीआर PR... मुझे अभी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तभी पता चला कि पी एक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है राइट तो उसके बाद पता चला कि लोगों ने पी करके कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है कितना बड़ा मतलब कितने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं लाइक एम uh, बी वाला आपने सुना होगा तो उन्होंने पी आर पहले कितना किया था उसके बाद उनका बिज़नेस कैसा हुआ अभी वो कैसे है तो वो आप बताइए कि वो लोग कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती है सो so, में क्या है कि आपको आपका परसोना की साइड कैसे दिखाना है मतलब मेरी जेब खाली है राइट right. ठीक है बट मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि यार मुझसे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं है हुँ. तो अहमदाबाद का अगर आज की तारीख में मुझे सबसे बड़ा अमीर इंसान दिखना है तो मैं क्या करूंगा तो वो सारी चीजें प्लान करना इट्स अ अर Hmm. वो है एक्टिविटी कि आपका काम आपका जो मोटिव है उसको दूसरे तक कैसे अच्छे से पहुंचाना और दूसरों को ये बॉलीवुड में अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो शाहरुख खान हर किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटी के पास आपने सुना होगा कि भाई शाहरुख भाई जब हमें घर पे बुलाते हैं तो वो खुद आते हैं हमें छोड़ने के लिए हाँ. वो खुद कार का दरवाजा खोलते हैं बिठाते हैं फिर बाय बोलते हैं तो ये एक पीआर एक्टिविटी है शाहरुख खान की साइड से एक जेस्चर है वो फिक्स है उनको बोलने की जरूरत नहीं है सब शाहरुख भाई की वाह वाह करेंगे बाहर आके तो ये भी एक छोटा सा मतलब पीआर किसी भी एंगल से किसी भी तरीके का हो सकता है आप क्या प्लान करना चाहते हो आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो दैट ऑल कम्स अंडर द पीआर और मेरे हिसाब से अहमदाबाद में ऐसी कोई पीआर एजेंसी है नहीं कि ऐसे करके दे कि भाई ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं तो इसके ऊपर आप काम करिए अभी भी हम वही पुराने ख्याल वाले <laughs> पीआर इंडस्ट्री में जी रहे हैं सो यार, चल रहा है जो हम लोग सुनते हैं राइट कि अभी रियल एग्जाम्पल ले तो अभी अनंत अंबानी की शादी है तो अभी मुझे फीड में इंस्टाग्राम फीड में भी वही दिख रहा है न्यूज़ में वही दिख रहा है यूट्यूब में वही दिख रहा है तो वो पी पीआर तो पी उन्होंने किया हुआ है। मतलब okay. आप देखो एक हकीकत right. तो, तो मैं बोलूंगा कि सलमान खान ने एक ठीक है अचानक स्टार्ट किया चीजें उसके आसपास की उन्होंने प्लान की like, कंपनी विल दिया अब वो चीजें आगे जा रही हैं सब जगह पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वहां पे बिंग ह्यूमन है ये है तो वो एक पूरा जैसे मैंने बोला एक हाइपर बोला बनता है जैसे बनाया जाता है वो बनाया जाता है है ठीक है अगर किसी मूवी को हिट करना है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर किसी चीज को किसी बिजनेस को हिट करना है अगर आप देखें जैसे आपने अभी आ, मिस्टर आनंद अंबानी का नाम लिया तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भले उनकी शादी है इसलिए वो ट्रेंड में ऐसा नहीं है बट <laughs> उन्होंने जो चीजें से से नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, नहीं। अब तुरंत ही देखिए पूरी मीडिया इंडस्ट्री को अचानक इंटरव्यूज मिलने लगे उनके बाइट्स वायरल होने लगे रील्स वायरल होने लगे इट्स पीआर स्ट्रेटजी या उन्होंने बकायदा या तो उन्होंने ये तय किया होगा या उनकी टीम ने ये तय किया होगा बट की न्यूज चैनल है मतलब तो यू कैन सी दिस बट चीज़ ये है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में और वैसे ही बढ़ता जाता है तो वो बोहरा है पूरा कि भाई साहब किसी को अवेयर करना है मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि अगर किसी को आप अवेयर करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए तो वही है पब्लिक रिलेशन पी वही चलता है मतलब आप तो करते हो मतलब हम बात करें कि मूवीज़ की जो भी मूवीज होती है तो लाइक like उसमें मैंने दो तीन मूवीज ऐसी आ, देखी है उसके पहले उन्होंने पी बहुत ही अच्छी तरीके से किया था अगर मुझे वो पी था वो कि क्या ने? था मुझे पता नहीं लाइक जवान हाँ। तो जवान मूवी में जब वो ऐसा आ, उन्होंने पहला तो एक टीज़र रिलीज किया था जो ट्रेन में था उसके बाद उन्होंने सिर्फ रॉन्ग मोबाइल में शूट किया हुआ एक शाहरुख खान का एक्शन सीन रिकॉर्ड किया था और वो वायरल हो गया उसके बाद पब्लिक रिएक्शन इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे तो so, वो पी आ रही है इट्स अ पार्ट ऑफ पी आर स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो बिकॉज कैसी चीज़ें हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना hmm. वो भी एक तरीके से पी आ रही है hmm. जैसे मैंने बोला कि अगर किसी मूवी को हिट करना है ठीक है वो हिट बनाना है या फिर किसी को फ्लॉप करना है किसी को एकदम से मतलब आप समझ लो कि बहुत अच्छी स्टोरी होगी एक्टर्स ने बहुत अच्छा एक्ट किया है hmm. मतलब नरेशन बहुत अच्छा है डायरेक्टर बहुत अच्छा है बट वो चीज़ निकल के बाहर अच्छे तरीके से आ रही है फ्लोर के ऊपर लेकिन लोग थिएटर तक देखने नहीं जा रहे क्योंकि एक हाइपर बोला बन गया है कि ये मूवी में ऐसा है ठीक है सो आई कैन से वन के एक उल्टा एग्जाम्पल दूंगा मैं आदि पुरुष देख लो आप मैं अभी वो था मेरे माइंड में आदि पुरुष देख लो आप मतलब उन्होंने इस तरीके से बताया कि हम मॉडर्न जमाने की रामायण बना रहे हैं ये है, वो कर रहे हैं एंड देन दे टर्न अप दिस थिंग कि भाई अब जो बन गया बन गया फिर पीछे हट गए राइटर हट गए पीछे, पीछे डायरेक्टर पीछे, 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 पीछे हट गए कि नहीं नहीं ये फिर मूवी की डेट पुश कर दी गई फिर ये बोला गया है कि नहीं नहीं हमने कभी ये बोला ही नहीं है कि हम रामायण बना रहे हैं सो कंट्रोवर्सीज जब बढ़ जाती हैं और कंट्रोवर्सीज प्लान भी की जाती है ये इंडस्ट्री वही है कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी प्लान भी की जाती है कि काफ़ी बार आप ये सुनोगे कि कंट्रोवर्सी क्या प्लान की गई है कि मूवी रिलीज हो अभी किसी को पता ही नहीं है कि वॉट इज़ पदमावत ठीक है राइट पद्मावत अभी किसी को स्टोरी भी नहीं पता थी अभी तो शूट शुरू हुआ है वहाँ पर डायरेक्टर के ऊपर मारपीट हो रही है ये सारी चीज़ें हो रही है सो हो सकता है कि मैं ये बोल नहीं रहा हूँ बट हो सकता है कि ये प्लान चीज़ें हो कि भाई ये सारी चीज़ें बाहर आए तो लोग देखने जाएँ क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछोगे या बोलोगे तो लोग वो देखने के लिए पहले जाएंगे वो इंसानी दिमाग है राइट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के आप मना करोगे भाई यहाँ नहीं थूकना है वहीं पे सबसे ज्यादा लोग थूकेंगे तो वही hmm. वाली चीज़ है कि ये हो सकता है कि पी hmm. आर के पार्ट रहे हो और हो सकता है अगर कहीं पे विजिट की जा रही है किसी मूवी okay. प्रमोशन में कुछ आगे जाके कोई बात की जा रही है या ऐसा कुछ बोला जा रहा है सो दिस कम्स अंडर द पीआर आर इसीलिए पी कंपनीज हैं पीआर आर स्ट्रेटेजिक लोग हैं जो ये काम करते हैं जिसके बेस पे ये पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है hmm. अगर Uh, शाहरुख खान साहब या कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर है उनकी मूवी आ रही है और अगर ये प्रमोशन नहीं होंगे अगर पी वाले लोग नहीं होंगे तो इट डोंट वर्क लाइक दिस मतलब अभी जो हज़ार करोड़ दो हज़ार करोड़ के नंबर्स आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से नहीं होंगे बिकॉज लोगों तक वो चीज़ें पहुंचेंगी ही नहीं अच्छे तरीके से बुरे तरीके से आप जैसे भी बोलो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया क्विक कुछ भी आ जाता है मतलब कल आनंद अंबानी की शादी में जामनगर में कौन लैंड हो रहा है या कौन परफॉर्म करने के एक, एक बॉलीवुड की स्टार का नाम आ रहा है अभी हाँ मतलब वो आपको ऐसे तुरंत वीडियोस मिल रहे हैं तुरंत। और आज ये सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं so एक 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 है, ये होते कौन है पापाराजी बोलते है या पेपराजी बोलते आई डोंट नो लेकिन ये वो डायरेक्टली वहां पे ही होते हैं या उनको लाया जाता है तो ये ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा पर हाँ काफी सारे लोग जो हैं वो उनको बुलाते हैं कि भाई यहां आ जाओ या। आ, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये इसको तो कैसे पता कि भाई मैं इधर आने हूँ ये नहीं पता होगा वो वो 24 घंटे थोड़ी ना किसी के ऊपर हाँ। कैमरा रख के बैठे हैं उनको नहीं पता है एक ही लोग होते हैं वो मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि काफी सारे लोग वो हैं कि जिनके पेज पे अपडेट जाती है बट वो किसी एक ही कैमरा मैन ने शूट किया है वो शायद से वो मीडिया पे भी नहीं है बट वो काम कर रहा है क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है ये चीज़ का ठीक है तो ये होता है हमारे यहाँ पे भी गुजराती इंडस्ट्री में भी ये है अभी काफी सारे पेजेज ने ये शुरू कर दिया है अब तो वो, वो जाते हैं पहले से प्लान ये कैसे हो सकता है वरना मैं आपको बोलू कि अगर ये चीज नहीं है ठीक है अगर ये लोग नहीं बुलाते हैं कोई कल आके बोलेगा लेकिन बट ओबे शाहरुख खान सलमान खान ये लोग नहीं बुलाते होंगे लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं सबको तो ये लोग सामने से ट्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं राइट तो अगर ये लोग सामने से नहीं जाते हैं या बुलाए नहीं जाते हैं सामने से तो आज तक आपने कभी मिस्टर अमिताभ बच्चन का एयरपोर्ट लुक देखा है नहीं कहीं पे भी अभी अभी तक तो याद नहीं है मुझे क्योंकि आया ही नहीं है कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं वो वो ऐसे काफी सारे लोग हैं हैं जिनके नाम मैं ले सकता हूं कि उनका आपने कभी देखा ही नहीं नहीं होगा <laughs> और जो दिखते चलते मतलब आप बोल सकते हो कि पीआर के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी यार, यार, बट यार। होता है काफी लोग कपड़ों से फेमस है काफी अपनी एक्टिंग से फेमस है काफी लोग अपने स्क्रिप्ट से फेमस है तो सब के अलग अलग तौर तो तरीके हैं okay, तो उस हिसाब से तो ये तो सेलिब्रिटी की बात की लेकिन मुझे पी आर की बेसिकली अगर आम इंसान को जानना हो कि पी आर क्या है सबको मालूम है लेकिन उसमें क्या क्या एक्टिविटी आती है हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते लाइक like, कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम तो अभी है लेकिन पहले क्या करते थे अभी क्या कर रहे हैं लोग सो सबसे बड़ा ले? अगर आप की बात से मैं एक वर्ड पकड़ू तो वो है ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सबसे पहली जो चीज आई थी वो था ट्विटर पे ट्रेंडिंग होता था चीज़ें। ट्विटर? ठीक है। hmm. अब ट्विटर को एक्स के नाम से जाने जाते हैं लेकिन ट्विटर पे सबसे पहले चीजें ट्रेंडिंग की जाती थी कि सबसे ज्यादा ट्वीट हाँ hmm. सबसे ज्यादा hmm. ट्वीट हो रही है और उसके भी पैकेजेस आने लगे हैं अब तो पैकेजेस आने लगे हैं सो एवरी अंडर पैकेजेस के अगर ट्विटर पे मुझे केहू भाई का नाम ट्रेंड करवाना है सो so, पीपल विल टेक सम मनी एंड आपका नाम तीन चार घंटे तक ट्रेंडिंग रहेगा तो वो चीज़ें अभी पॉसिबल है इट्स ऑल्सो कम्स अंडर पी आर एक्टिविटी बट अब सारी चीज़ जैसे मैंने बोला कि आपकी जेब में कितना वजन है उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं कितना लोग आप, आपने अपनी आ, लाइफ में देखा कि, कि इतना ज़्यादा पैसा पी आर में किसी ने खर्च किया हो मतलब नाम नहीं देना लेकिन कितना कितनी अमाउंट होगी अरे वो तो मतलब नहीं पूछा जा सकता मेरे पास आ, एक क्लाइंट है <laughs> <laughs> uh, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जब भी शायद ये पॉडकास्ट पो, बाहर आया उसके बाद वो मेरे क्लाइंट रहे ना रहे बट तो ये चीज है कि उन्होंने सिर्फ पंद्रह दिन के अंदर सवा करोड़ रुपए डाले थे और अपने अलग अलग आर्टिकल्स निकलवाए थे सिर्फ अपना प्रमोशन करने के लिए ना अपनी कोई ब्रांड सवा करोड़ पंद्रह दिन जी क्यू uh, मैगजीन के अंदर आर्टिकल लिया है देन फोर्ब्स के अंदर आर्टिकल लिया है एंड एवरीवेयर अब ये सारी चीज़ें मतलब पेपर्स मैगजीन रेडियो सारी सोशल मीडिया सब भर भर के अचानक अभी आप सोचने लगो कि जैसे अचानक से आपको कुछ चीज़ें दिखने लगे जैसे आपने अभी बोला कि फीड पे एक ही चीज़ दिख रही है तो वो हो सकता है कि ऐसे ही ब्लास्टिंग हो रहे हो हो सकता है कि वो पी एक्टिविटी जिन्होंने डिज़ाइन की है आप उसका हिस्सा बन गए <laughs> आप उसकी टारगेट ऑडियंस बन गए तो ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है आप सिर्फ स्क्रोल किए जा रहे हैं So, आज के दिन में क्या है कि आप सिर्फ स्क्रोल किए जा रहे हैं आपको पता नहीं है Instagram. कि तो आप क्या देख रहे हो ठीक है बट आप जहां पे तीन चार रील्स पे रुकोगे तो वहां पे एल्गोरिदम पकड़ेगा कि हाँ इनका इंटरेस्ट ये है उसके बाद वैसी रील्स आएंगी काफी बार आप पचास साठ रील तक रुकोगे नहीं तो आपको नीचे इंस्टाग्राम कन्फ्यूज होके पूछेगा कि आप ये वीडियो देखना चाहते हो हाँ इंटरेस्टेड हो नहीं हो तो वो पूछेगा बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खुद कन्फ्यूज है कि आप क्या देखना चाहते हो ठीक है तो वो आपने हाँ बोल दिया तो मतलब पंद्रह दिन बीस दिन तक आपको वही रील्स वैसी ही रील्स दिखाई देगी कि अगर फैशन है तो फैशन मेकअप है तो मेकअप बॉलीवुड है बॉलीवुड म्यूजिक है तो म्यूजिक और ये इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकली थिंग्स अब सिंगर है कोई भी उसका एक बहुत अच्छा गाना है वायरल आज के जनरेशन के लिए जो वर्ड है वो नई जनरेशन का पीआर एक्टिविटी ही है कि वायरल कैसे करना वायरल का कोई कोई फार्मूला नहीं है कोई रेसिपी नहीं है आप आप किसी भी चीज़ को ऐसे वायरल कर लो कि गेट्स साहब ने चाय पी ली डॉली के पास से लेके तो वो वायरल हो जाएगी नहीं ये सोचने वाले ने बहुत तरीके से सोचा होगा बट उसने ये नहीं सोचा होगा कि ये वायरल होगा उसने ये सोचा होगा कि ये बहुत बड़ा बनेगा ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बनेगी ये रील बहुत लोग देखेंगे मज़ा आएगा किस तरीके से लेंगे वो नहीं सोचा होगा तो काफ़ी बार हो सकता है एक एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी हैं उन्होंने यहीं पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक फ़ैन का फ़ोन लेके ऐसे तोड़ दिया था तो वो चीज़ वायरल हो गई कि फ़ैन का फ़ोन तोड़ दिया इज द तो बैड बॉय ये है वो है बट फिर वो जो चीज़ होती है जो कवर अप करने वाली चीज़ होती है वो नहीं दिखाई जाती काफ़ी बार hmm, तो हाँ, right. हाँ तो जिसको <laughs> मीडिया बोला जाता है बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ पी आर एक्टिविटीज कि आपको कैसे कोई चीज में आगे बढ़ाना है ठीक है कोई सिंगर है तो उसका वीडियो फटाक से वायरल हो गया कि वो रोड पे भी अच्छा गा रहा है गाड़ी में भी अच्छा गा रहा है, है है, ये हाँ। तो क्या है, आजकल के जमाने में आप मतलब थोड़े से पैसे अगर आपकी जेब में ज्यादा हैं तो वो बाहर निकाल के आप दोगे तो एवरी यू कैन परचेज एवरी बादशाह खुद बोल चुके हैं कि फॉलोवर्स परचेस किए जाते हैं व्यूज किए जाते हैं तो मतलब ये तो कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं तो मतलब जितने भी आप मतलब जो ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हो जितने भी आप एक्टिविटी देख रहे हो कि उस बंदे ने ऐसा किया उस बंदे ने ऐसा किया वो बंदा बहुत ही अच्छा है सो so, वो एक प्लानिंग की हुई हो सकती है हाँ बाकायदा ये चीज़ बहुत काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जो प्लान्ड हो सकती है जिसकी कंट्रोवर्सीज प्लैंड हो सकती है मैं किसी के सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मूवी का शूट शुरू भी नहीं हुआ है आज पहला दिन है आपको स्टोरी तक नहीं पता है मूवी की स्टोरीज किसी लोगों को नहीं पता होती है ठीक है वहाँ पर कहीं कुछ गलत नहीं बताया जा रहा है कहीं नहीं। कुछ गलत नहीं बोला जा रहा फिर भी आप अचानक से डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो आप एक्टर्स right, के ऊपर right, अटैक कर रहे हो आप कुछ भी चीज़ें हो रही है हाउ कैन इट्स पॉसिबल कैसे ये पॉसिबल और फिर हमारे जैसी आम जनता क्या मानती है कि अरे कुछ तो होगा हो हो कुछ, तो हो 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 कुछ तो होगा कुछ तो होगा तभी ये चीज हुई है बट वो कुछ कुछ नहीं होता है इट्स पार्ट ऑफ प्रमोशन उसको नेगेटिव मार्केटिंग बोल सकते हैं मतलब बोल सकते हो आप क्योंकि ये होता है और इससे बहुत ज्यादा लोग देखने जाते हैं मतलब कई ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा होता है मतलब उसको पता नहीं कौन सा टर्म बोलते हैं लेकिन जब को हम किसी की भी प्रोडक्ट बेचनी होती है जब प्रोडक्ट होती है सौ दो सौ रुपये की तो वो क्या करते हैं जिस दुकान पे उनको बेचना है वो माल तो वहाँ पर पहले जाता है कि ये चीज़ है आपके पास ये क्यों नहीं मुझे ये चाहिए वो फेक होता है तो मतलब वही पी आर भी बोल सकते सेम एज सेम सेम ट्रेडिशंस चेंज हो रही है मतलब आप जैसे चीज़ें बोलें कि नाइन्टीज़ में कॉन्सर्ट्स होते थे तो वो अंताक्षरी होती थी लाइव राइट right. अनु कपूर साहब आते थे उनके साथ कोस्ट कोई अलग होता था वो वहाँ पे अंताक्षरी खुद भी गाते थे गवाते थे तो वैसे कॉन्सर्ट्स होते थे ठीक है उसके बाद एक नया तरीका आया देन लता जी कम्स अप ठीक है वो लाइव ऑडियंस के सामने गाना उन्होंने शुरू किया देन अलग अलग लोग वापस से सिंगर्स बड़े बने कंपोजर्स बड़े बने वो आए उन्होंने गाना शुरू किया तो ट्रेडिशंस के साथ जो इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग ठीक है आज आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो सब कुछ एक फ़ोन के अंदर है आपको कुछ भी पता नहीं है आप तुरंत सर्च करोगे कि क्या है ये क्या चीज है आप आप और मैं ये कर रहे हैं ये पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट क्या है ये नई जनरेशन की बात है ठीक है सो so, इवॉल्व होते होते सारी चीजें होती हैं तो वैसे ही ये नेगेटिव मार्केटिंग आप बोल रहे वो हो वो इवॉल्व होकर आज के जमाने में ये क्या स्ट्रेटेजीज प्रमोशन अलग वर्ड्स अलग टर्म्स दे दी गई हैं वरना जैसे आपने पूछा पीआर क्या है पीआर आर ये है जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि पीआर आर इज हाइपर बोला एक इल्यूजन जो लोगों तक आपको पहुंचाना है कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत सही है या तो वो है और ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बट बहुत सारी पीआर एजेंसीज हैं बहुत सारी पीआर कंपनीज हैं जो बहुत ढंग से बहुत तगड़े पैसे लेके बहुत अच्छे से प्लान बना के देते हैं और वो जो प्लान बोलते हैं वो प्लान होते हैं बड़े से बड़े नेता तक ट्वीट करते हैं <laughs> बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तक सपोर्टिंग में ट्वीट करते हैं इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं इट्स अ पार्ट कौन सी एजेंसी है आप नाम लेना चाहोगे मतलब जो अभी इंडिया में टॉप लेवल तो। <laughs> ऐसी सारी चीजें कर रही है वैसी एजेंसीज के बारे में इतना ज्यादा मतलब मैं नहीं बोलूंगा बट पी आई आर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी चीजें करने वाली जो एजेंसीज हैं

अब तो सब कॉलेब करके कर, कर रहे हैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि दोनों साथ में नीचे -नीचे, हाँ, चीजें इवॉल्व होने लगी है तो मैं अभी जैसे आप बोल रहे हैं तो अभी मैं वो स्क्रोल करते करते एक रील देख रहा था कि जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि शोले का एक सीन है कि जिसके अंदर धर्मेंद्र जी शंकर भगवान की स्टेचू के पीछे से बात करते हैं ठीक है और हेमा मालिनी मान लेते हैं कि ये स्टेचू के पीछे से बात कर रहे हैं और बातें देखो मतलब कि वो हेमा मालिनी को पटाने की बातें कर रहे हैं और वैसे भगवान बन के ऑर्डर दे रहे हैं ठीक है कि ये कर लो वो कर लो ठीक है आज के जमाने में ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता सबको पता है राइट तब भी हिंदू थे आज भी हिंदू है मैं खुद हिंदू तो बट चीज़ें चेंज हो रही है जैसे मैं बोला कि डे बाय डे कि पहले जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव गिना जाता किफायती कुछ कंट्रोवर्सी देख के आप खुद टिकट लेके मूवी देखने गए होंगे फिर आपको पता चला मूवी में इतना कुछ था नहीं लेकिन हाँ ठीक है मैंने सात सौ का टिकट ले लिया पांच सौ के पॉपकॉर्न खा लिए तो वो फायदा जो है वो गिना जाता है लास्ट एंड ऑफ डे मतलब क्या मैटर करता है सात सौ रूपए सात सौ का ही था पॉपकॉर्न आदि पुरुष हाँ तो मतलब जो जो स्ट्रेटेजी उस मूवी ने डिजाइन की वो स्ट्रेटेजी होगी स्टार्टिंग से ही गया था पहले तो मुझे लगा कि नहीं कुछ डायरेक्टर ने बनवाया बनाया है राइटर इतना अच्छा है तो मुझे लगा कि इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा इनके ऊपर पहले जो टीजर आया था उसके बाद थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है लेकिन चलो कुछ मॉडर्न होगा फिर सॉन्ग अच्छे आए उनके मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आए लेकिन जब मैं मूवी देखने गया और तो जो ये ये वही इल्यूजन में फंस गए <laughs> सीरियसली जो वो दो रामायण देखी है जो वो लोग करना चाहते थे वही इल्यूजन में आप फंस गए मतलब मैं तो वो पीआर जिन्होंने डिजाइन की उनके लिए तालियां बजाऊंगा आपको लेके गए किया।, किया नहीं किया know, anyone, ये है कि उस बंदे ने अपना काम बहुत तगड़ा किया तब भी आप गए आपने कमा के दिए हैं उनको तो वो है वो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होती है पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है काफी बार आप देखो आजकल श्रद्धा कपूर ट्रेंडिंग है आगा। आगा। सारे मीम पेजेस श्रद्धा कपूर की ये ट्रेंड कहाँ से आया कि श्रद्धा कपूर कपूर विल कमेंट ऑन माय रील आई विल डू दिस ये वो ट्रेंड में वो, चल रहा है तो वो ट्रेंड शुरू किसने किया श्रद्धा कपूर के आई 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 थिंक ये मेरा मानना है हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ये मेरा मानना है कि श्रद्धा की कि किसी पीआर uh, टीम के मेंबर ने ये एक्टिव किए होंगे कि अभी उनकी ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ रही है और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए जैसा शाहरुख खान ने बोला कि खान साहब बहुत अच्छी बातें बोल देते हैं कभी कभी कि उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जितने बड़े सेलिब्रिटी है ना उनको ऑफ स्क्रीन रहना उतना ज्यादा पसंद नहीं होता है तो आप देखो कि श्रद्धा कपूर की काफी टाइम से कोई मूवी नहीं है ये राइट तो ये पॉसिबल है कि उनकी पीआर टीम एक्टिव हुई हो और उन्होंने ये मीम पेजेस के ऊपर क्योंकि आप देखो हर पांचवी या छठी रील श्रद्धा कपूर को डेडिकेट होती है अभी मतलब लास्ट जो आई मैं जुटी तू मकार उसके बाद उनकी कोई मूवी नहीं आई उनकी है। कोई मूवी नहीं आई तो बहुत बड़ा एक गेप हो गया उसके बाद ये चीज़ें होने लगी सोशल मीडिया पर आज वो ट्रेंड होता है जो मूवी आ रही है या जो आने वाली है ऐसे सेलिब्रिटीज इंडिविजुअल ट्रेंड होते हैं तो ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट इन्फ्लुएंसर क्रींज मार्केटिंग और जो अच्छे कंटेंट होते हैं जो वो लोग मेहनत से बनाते हैं तो वो अभी क्रीज वाले क्यों ज्यादा रहते हैं लाइक मैंने देखा है सुपर सुपर स्टार फिर ये डॉली की टपरी फिर कई एक अभी है जिसका शादी हुआ है वो वो सब मिलियन अच्छा में सबसे पैसा कमा रहा है भाई नहीं अग्री 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 मैं मानता हूँ ये चीज तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे कभी भी रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं ठीक है तो आप क्या देखते हैं आप भी तो क्रिंज देखते हैं राइट तो, आता ही वही है नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप हाँ। देखते हैं इसलिए जैसे मैंने पहले बोला उसी हिसाब से कि कि भी वैसे काम करता है राइट कि क्या देखना चाहते हो आप पचास साठ रील जाने दो कि है। तो सिमिलर यूट्यूब खुद कंफ्यूज हो जाता है की आपको क्या देखना है कोई भी ए ह्यूमन ब्रेन से बड़ा नहीं है ठीक है तो वही एल्गोरिदम्स को डिजाइन करने में दिमाग इंसानी है ठीक है क्रिंज हम ही देखते हैं हम ही पसंद करते हैं मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक चीज बोलूंगा कि बिग बॉस से पुनित को क्यों निकाला गया अब क्या मानते हो क्यों निकाला उसने कुछ ऐसे ऑफेंसिव चीजें कर ली थी या नहीं। नहीं। उसने कुछ ऐसा कर दिया वो सारे तो एक्सक्यूज़ेस हैं अब अब समझो कि पुनित को इसलिए निकाला कि वो एक तरफा मैच हो जाती सारे प्लेयर्स सारे प्लेयर्स एक साइड थे और पुनित एक साइड था राइट या सो सुपरस्टार सुपरस्टारोने मतलब आप समझो कि यहाँ पे हम तीन लोग लड़ रहे हैं एकदम से आप आप मार रहे हो मैं मार रहा हूं किसी का दांत तोड़ दिया किसी के नाक से खून बहने लगा किसी की शॉट फाड़ दी किसी को मिर्ची लगा दी यहाँ पे बिग बॉस टास्क पे टास्क कर रहा है और वहां पे अचानक से एक बंदा बाथरूम से निकल रहा है कॉलगेट लगा के ये करके आप क्या देखोगे सो <laughs> <So, laughs> कुछ नया है कुछ इंटरेस्टिंग है तो क्रिंज क्रिंज चलती है चीजें आप पियोगे डोली टपरी वाले के वहां पे जाके आप चाय पियोगे नहीं पियोगे और आप देखना पसंद करोगे मक्खी गिर जाती है आप वो चाय बदल देते हो वैसे अपनी जुबान से तीन बार को काटता है है एक तरीके से लोगों को देखना है ये इसलिए लोग देखते हैं लोग देखते हैं इसलिए वो चीजें आती हैं ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा की सिर्फ क्रिंज क्यों आता है ठीक है आप देखो आप कभी एक्सप्लोर में जाके देखो तो किसी मेल का इंस्टाग्राम आईडी आपने लिया तो एक्सप्लोर में आपको क्या दिख रहा है तो बोले सारे बोल्ड दिख रहे हैं ठीक है है राइट फीमेल साड़ियां पहन के रील बना है, रील बना रही कोई बिकनी में दिख रहा है दिख क्यों रही है इंस्टाग्राम ये चाहता है इसलिए नहीं क्योंकि ए आई उन सब ने ये डिसाइड कर लिया कि मेल्स की फैंटेसी ये है <laughs> वो अपने आप में एक किसी की भी पीआर स्ट्रेटेज किसी के दो चार लोगों के दिमाग पढ़ के वो चीज में जागे ये है अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको पॉडकास्ट की रील्स देख रही है ठीक है तो वो क्रिंज तो हम देख रहे हैं इसलिए हमें मिल रही है दूसरों को रीच नहीं मिल रही ऐसा नहीं है आप अगर अच्छे से पॉडकास्ट बना रहे हो कंसिस्टेंसी है आपके पास दो साल ढाई साल तक आप डाल रहे हो दो पॉडकास्ट डालने के बाद आप ये बोलोगे कि यार पहला पॉडकास्ट तो मेरा बहुत सही था उसके साथ नहीं हुआ राइट व्यू नहीं आ रहे हैं व्यू नहीं, नहीं है। आ रहे हैं और ये सब के साथ हो रहा है आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो जो भी आ, ये पीआर आर के साथ साथ हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि वायरल रील चाहिए अब मैं वायरल बेच नहीं सकता किसी को मतलब मैं आपको ये दावा कैसे कर दूं कि ये वायरल हो जाएगा आप मुझे ये बताओ राइट वो आपको भी पता ही नहीं है मुझे किसी को नहीं पता है को, मैं भी जब मैं मैंने इतने प्रोडकास्ट किए

अपने पूरे करियर में एक ही चीज की है ठीक है उसका पैशन है सिंगिंग वो बंदा सिंगिंग के लिए कुछ भी कर सकता है प्रोफेशनल सिंगर की तरह वो गाता है उसने कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं भाई साहब लेकिन उसने सिर्फ सेल्फी वीडियो लेके वीडियोस पैकेज कर करके आज वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है तो आप ये वही बात है कि आप जिस चीज में बेस्ट हो आप वो करते रहो उसके रिजल्ट देखे बिना तो पहले लोग ये कहते थे कि कृष्ण ने कहा है कि भाई फल की चिंता मत करो कर्म किए जा ठीक है आज के जमाने में ये है कि भाई रील्स जाओ व्यूज आएंगे एक रील तो तो हिट हो जाएगी ये। तो वही चीजें हैं hmm. तो आप जिस चीज में बेस्ट हो आप वो करो अरिजीत अगर आशिक बनाया गाता रहता तो वो अरिजीत सिंह अभी नहीं होता hmm. वो दूसरा किशोर कुमार बनने की ट्राई करता तो वो पहला अरिजीत कभी नहीं बन पाता अगर धोनी

कल होली है आज कुछ बना दो <laughs> <laughs> नहीं कैसे मतलब कहाँ से लाते हो ये तो? मार्के... मा, मैं भी ब्रांडिंग देखता हूँ मार्केटिंग देखता हूँ बहुत ही यार तकलीफ हो जाती है जो तो, ये लोग मांगते हैं तो ना तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे पीआर आर इज अ पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल थिंग्स तो वही आप चीजों समझो कि प्रमोशन बहुत बड़ा दरिया है और आपके पास सिर्फ एक ग्लास है आप क्या क्या भर लोगे और वो ग्लास क्या है आपका बजट राइट ग्लास क्या है बजट सबके पास बजट बजट किसी के पास कोई आके ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास बहुत बड़ा बजट आप करो अंटिल एंड अनलेस कोई पॉलिटिकल पार्टी हो <laughs> है वो चीज है एक दो दो एग्जांपल है नहीं पता नहीं हाँ एक एक माँ, मेरे माइंड में आ रहा है कि जब टेस्ला ने जो साइबर ट्रक लॉन्च किया था वो सिर्फ बोला था कि बुलेट प्रूफ है उसमें कुछ नहीं होगा वो पत्थर फेंका टूट गया उतना उसको कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा वो किसी तक पहुंचना है, वो पी आर ही है। आज मैं बोलूंगा बैठे हैं अहमदाबाद का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है आपको चार बार सोचना पड़ेगा लेकिन मैं आपको बोलूँगा अहमदाबाद का सबसे घटिया रेस्टोरेंट कौन सा है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा बिकॉज आप एक न्यूज के ऊपर से जज कर लोगे कि हाँ यहाँ पे मक्खी निकली थी यहां पे ये निकला था यहाँ पे ये निकला था तो बहुत स्ट्रेटेजिकली आप बोल दोगे कि ये बहुत खटिया है भले आप गए नहीं गए और आप बढ़िया को बढ़िया बोलने में पांच तो तो ये ये बोल रहा हूँ ये सारी मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में कैसे कहा किसको काटना है प्रमोशन कैसे करना है क्या करना है बहुत इजिली बहुत ये होता है और ये होता रहेगा क्योंकि हर किसी को कमाना है अगर आप और मैं दोनों सेम बिजनेस में है तो हम दोनों यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं। तो हम दोनों यहाँ पे नहीं होते हैं। आप समझो लॉजिक बहुत क्लियर है राइट भाई साहब तो वो बहुत सिंपल चीजें हैं एक एक पीआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है उसके बाद हम बॉलीवुड पे जाते हैं लेकिन आपने अपनी लाइफ में सबसे गंदा पीआर देखा हो कि भाई ये वाला पीआर तो मेरी क्या बोलते हैं वो ये एथिक्स के खिलाफ है ऐसा कभी ऐसा हुआ है आपने कुछ आप नाम मत लीजिए मैं स्ट्रेटेजी बता सकते हैं नहीं मैं तो वैसे ले भी सकता हूँ नाम ऐसा नहीं है पर क्या है कि जैसे मैंने बोला आप और मैं कोई बड़ा या कोई छोटा या कोई ऐसा है नहीं राइट तो बट जो जो लोग हमारे पास आते हैं वो खुद को बहुत बड़े मानते हैं तो एक रिसेंट एक मूवी आई थी जिसके पी के लिए बातें गई थी कि हमें ये करना है हमें वो करना है ये करना है वो करना है और जब बजट के ऊपर बात बोली तो उनके पास बजट था नहीं तो हमने काफी लोगों के पास होता है ऐसा कि भाई विजन बहुत क्लियर होता है कि भाई हमें आपका विजन क्या है आपका विजन है आपको मंदिर बनाना है ठीक है आपका विजन आपको मंदिर बनाना है फिर फिर चीजें ऐड होंगी कि मंदिर इतने लेयर का होगा मंदिर इतने फ्लोर का होगा मंदिर यहाँ पे बनेगा ऐसी मूर्ति होगी ये चीज़ें तो वो वो डिपेंड करता है तो काफ़ी लोगों के पास होता है कि विज़न बहुत क्लियर है कि हमें ये करना है ठीक है तो हमने ये सोचा कि शायद इनका विज़न बहुत क्लियर है फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक भतीजा है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे डायरेक्टर का प्रोड्यूसर और बहुत सक्सेसफुल हैं मतलब मेरा कमेंट करना इतना जायज़ नहीं है बट चीज़ ऐसी है कि उनका विजन बहुत क्लियर था कि मूवी को प्रमोट करवाना है अब भाई साहब ने रिलेशन की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से पता नहीं अपने भतीजों को उसमें ऐड किया था और उसके भतीजे ने पूरी उनके विज़न की तहस नहस कर दी मतलब इन्फ्लुएंसर्स फिक्स किए हमारे पास कि ये इन्फ्लुएंसर्स चाहिए फिर आ, ये एक्टिविटी करना है ये करना है मीडिया को छोड़ के इंटरव्यूज़ को छोड़ के पब्लिशिंग को छोड़ के आ, आर्टिस्ट को कहीं पे गरबा करने के लिए लेके गए सो आई आई डोंट नो कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग ये, ये तो, या तो आप टिक मार्क एक्टिविटीज़ कर रहे हो दिखाने के लिए कि भाई mm. मुझे आता है या अपने अंकल को दिखाने के लिए वो बंदा कर रहा होगा या तो उसको सही में अपने अंकल के कितने पैसे mm. लगे हैं उसे पता नहीं था कि ये कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो मतलब बहुत बहुत घटिया बहुत घटिया और ये हो सकता है कि वो बंदा भी एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हो सकता है कि बट जैसे होता है कि बहुत घटिया चीज़ें चली और फिर कॉमेडी मूवी थी पिट गई पैसे निकल गए होंगे ओ टी टी पे बिस गई तो बट वही चीज़ कि खराब पी आर और होता है ये ये चीज़ें अक्सर होती आई है कि काफ़ी लोगों ने पैसे ही नहीं डाले हैं बस मूवी रिलीज़ कर दी किसी ने मूवी बना दी ब्रांडिंग के पैसे नहीं है तो होता है तो स्ट्रेटेजिकली सोचना लोगों तक पहुंचाना आज के जमाने में आ, मुझे जब कोई ये बोला जाता है कि यार गुजराती मूवीज लोग क्यों देखने नहीं जाते हैं हमें आज तक पता नहीं चला हमने इतनी अच्छी मूवीज भाई सब कौन सी अच्छी मूवी बना ली आपने <laughs> वो भी है इक्का दुक्का मूवी को छोड़ के कौन सी अच्छी मूवी गुजराती इंडस्ट्री में बन गई है ठीक है अगर बनी तो उनका प्रमोशन उस हिसाब से उनकी पीआर स्ट्रेटेजीज उस हिसाब से डिजाइन नहीं हुए बस वही चीज करते हैं सिटी टूर्स करते हैं ये करते हैं वो करते हैं बस खत्म हो गया कहीं पे प्रमोशन निकल के नहीं है मैंने आज तक ऐसी मूवी प्रमोशंस नहीं देखे हैं आ, मैं स्पेशली गुजरात इंडस्ट्री की बात करूंगा ऐसे मूवी प्रमोशंस नहीं देखे हैं जहाँ पे उनके टारगेट ऑडियंस को छुआ जाता हो नहीं छुआ जाता

चल रही है वो भी तो चीजें वही है कि भाई आप कहां पे लेके जा रहे हो बट वो टिकमार्क एक्टिविटी अगर करने के प्रोड्यूसर का पैसा है हम तो बस हमें कमा लिया ये है वो तो वो चीज में तो नहीं निकल पाएगा इसलिए शायद बॉ बॉलीवुड अलग और गुजराती इंडस्ट्री थोड़ी अलग रह गई है वरना आप अगर रीजनल इंडस्ट्रीज देखो तो मराठी इंडस्ट्री जितनी बूम कर रही है मैंने नहीं, नहीं देखा है दूसरी कोई इंडस्ट्री को इतना अब साउथ में चले जाओ दो चले जाओ यार जाओन इज अ स्टार एवरी वन इज सुपरस्टार सो ये ये शायद मूवी के ऊपर मैं इतना ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बट अगर साउथ और गुजराती मूवी की कंपेरिजन की जाए तो मोनल गज्जर जो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस है वो बहुत ढंग से ये चीज बता पाएंगे कि कितना डिफरेंस है ये चीजों में hmm. कि कैसे मूवी बनती है प्लोटिंग होता है डिसीजन आते हैं कास्टिंग होता है और यहाँ पे कैसे होता है

एक राडो थी लेकिन वो हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी तो वो वो परसेप्शन है ना आ, क्योंकि सेम ने सेम डायरेक्टर डायरेक्टर ने सेम दिरेक्टर दिरेक्टर ने बनाई बनाई हुई हुई है है दोनों दोनों पता ही ही नहीं चला था क्या क्या मतलब अभी एक ही दो बच्चे हैं <laughs> अभी ऐसा लग रहा था कि ये अगर हीरो है तो इनका यूज ऐसा क्यों नहीं हुआ है सो वो स्ट्रेटेजिकली वो जो दिखाना चाहते हैं वो अगर मैं तो डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं करूंगा काफी सारी चीजें अफेक्ट करती है इन सब चीजों में बट ये है और ये इंडस्ट्री के साथ होता है कि भाई साहब जहाँ पे भी बजट की बात आती है हालांकि सब गुजरातियों को तो इतना माने जाते हैं कि भाई सब गुजराती सब बड़े हैं आप देखो आ, स्कैम आया पहला दूसरा दोनों सीरीज हिट रही पीछे कौन रही। है, गुजराती दिमाग राइट गुजराती बंदे हैं एक्टर देख लो डायरेक्टर <laughs> देख लो प्रोड्यूसर देख लो आ, ठीक है पैसा नहीं ऐसा नहीं है पैसा है पैसा हम लोगों के पास है उतना किसी के पास नहीं है बट

पी आर नहीं होता है मतलब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एजेंसीज हैं जिनको पता है कि पी आर क्या होता है बिकॉज वो नेशनल एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं ओके okay. ठीक है तो वो डिज़ाइन करते हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पे पल्स इनोवेशन करके है सेतु करके है तो ये सारी एजेंसीज हैं जो डिज़ाइन भी करते हैं कि प्रमोशन कैसे करना चाहिए क्रिएटिवली प्रमोशन कैसे करना चाहिए हम तो रियल एस्टेट के बंदे हैं लेकिन उसमें भी पीआर जो होता है ना हमको बिल्कुल पसंद नहीं <laughs> क्यों होता है कैसे होता है उसको पापा राजी से क्या मतलब है भाई से <laughs> यार आ, नहीं, वो, वो होता तो है। वो तो आप आप किसी बिल्डर्स को पूछिएगा नहीं पूछना है उनकी, उनकी वाइफ के वीडियोस अगर आते <laughs> हैं तो दूसरे बिल्डर की वाइफ वो वीडियोस करवाने के लिए फिर पे क्यों करता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ये होता है वो, जाना वो, जाना वो है नहीं, नहीं अलग, अलग अलग इतिहास है, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे है आज है। तक वो लॉजिक नहीं समझ आया मुझे भी नहीं आया मतलब ये तो अभी बोल रहे तो आ गया अभी एक क्वेश्चन है आपको शॉर्ट में बता दीजिए कि आपको अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद रीजन सो अगर साइड देखा जाए तो डिसेंट और आपको अगर ऑडियंस को सच्ची में कुछ गाइड करना है एज अ आप आरजे तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा सी दो प्लेटफॉर्म है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम आ रहे हैं अभी हुँ. अगर आपको कोई भी प्योर सटीक जानकारी चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म है आपके लिए एक्स मतलब ट्विटर ट्विटर ओके तो वो बहुत सही ही है क्योंकि वहाँ पे आप इतना ज्यादा फेक नहीं बन सकते हुँ. जितना ज्यादा आप फेक इंस्टाग्राम पे बन सकते हो ठीक है और इंस्टाग्राम जो है वो एक है कि जहाँ से आपको डेटा और नॉलेज मिलता रहता है कि भाई अभी क्या ट्रेंड कर रहा है आप कहाँ पे रेस में आप कहाँ हो और आपके आगे पीछे वाले कहाँ पे हैं तो वही है जैसे आपने गाड़ी ली आपने पोस्ट कर दी फिर मैं वो पोस्ट देख के मैं गाड़ी लूँगा मैं पोस्ट करूँगा मेरे आसपास वाले देखेंगे तो वो तो वो रेस में तो इसलिए ये दोनों प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म अभी मैं प्रेफ़र करता हूँ तो ये दोनों पर जानकारी ज़रूरी है और रही बात इन्फ्लुंजर होने की तो अभी तो एक ही इन्फ्लुंजर है और जिस हिसाब से वो <laughs> इन्फ्लुएंसर रहे और मैं तो चाहूंगा कि वो रहे तो देश को इन्फ्लुएंस करने में भाई साहब मोदी जी से बढ़िया नहीं कोई नहीं मिल सकता उन्होंने कुछ नहीं किया है उन्होंने बस अपने ही एक वीप एक द्वीप के ऊपर कुर्सी बिछा के वो बैठे बैठे, बैठे बस, बस एक बुक पढ़ रहे हैं मैं कभी बीच पे बैठे बैठे मैंने बुक नहीं पढ़ी बट ये ये एक चीज है कि उन्होंने बस वहां पे एक फोटो खिंचाई है ठीक है हो गया मतलब आप देखो एक पूरा कंट्री डूब रहा है ये तो ठीक है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है अगर किसी कंपनी के वो सीएम होते ना तो वो कंपनी कुछ अलग लेवल पे ही होती <laughs> कई बार ऐसा भी लगता इस है इसके ऊपर भी मैं एक <laughs> कमेंट देना चाहूँगा कि ये जब हम पीआर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी पीएम सर ने पहली ट्वीट की उसके बाद हर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी राइट right. बॉयकॉट कर रहा है हर कोई पे जाके वीडियो बना रहा है हर कोई अपने इंडियन बीचेस को या इंडियन लैंड्स को प्रमोट कर रहा है तो ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है हाँ, वो वो तो है वो तो तो ये भी तो है मैंने कभी नहीं देखा है कि सलमान खान के ट्विटर अकाउंट से किसी को भाई बोला जाए <laughs> <laughs> आप देख आप, आप देखिए मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि आप देखिए कि हो सकता है कि मोदी जी की टीम मेंबर ने ट्वीट के लिए कैप्शन दिए हों लोगों को बट uh, चीजें वही है कि आ, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो जो नॉन गुज्जूज हैं मतलब जो नॉन गुजराती हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई वर्ड कैसे लिखा जाता है कहां पे <laughs> वो लोग भाई लिख रहे हैं पीएम सर के नाम के पीछे और सब जगह से एक तरीके की चीज आने लगे तो मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी ही है अच्छा और अपने वो स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में तो कोई है ही होगा ही नहीं और रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया को प्रमोट करने के लिए लाइक वोट ब्रो इज डूइंग डूइंग इज अमेजिंग सो इवन दो उनकी पार्टी ने ये कैंपेन पूरा निकाला है जेनजीज को टारगेट करते हुए, कौन के, आ, बता सकते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बीजेपी की इंस्टाग्राम पे आप जाइए तो आप वहां पे देखेंगे कि मोदी सर ने अभी तक जिस हिसाब से जो जो चीजें की हैं जो जो एक्टिविटीज की हैं लाइक अयोध्या का राम मंदिर बनाया है तो so, श्री राम भगवान का मंदिर बनाया उस चीज़ को लेके इन्होंने एक फ़ोटो डाली है वहाँ पे फिर ये डे लक्षदीप को लेके एक फ़ोटो डाली है सो so, उन्होंने जेंजीज का क्या है यो ब्रो सो so, यो ब्रो टच बेस करने के लिए दे मे एक वेरी गुड स्ट्रेटेजिकली स्टार्टअप की वहाँ पे उन्होंने एक स्टार्ट किया है कि लाइक ब्रो डिड जैसे उन्होंने धर्म को प्रमोट किया वैसे किसी ने नहीं किया और मोदी जी की फोटो बाकायदा लगी और ऑफिशियल पार्टी पेजेस से जा रहे हैं तो यार इट्स अ इट्स अ स्ट्रेटजी इट्स अ पीआर और वो, वो होना चाहिए और क्यों ना हो <laughs> पॉलिटी अभी बात ही कर रहे हैं तो जब लोग पे, पे करके पीआर करवाते हैं तो ये तो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में मतलब है अभी मुझे वही की जो बीजेपी भी करती है ना वो अनदर लेवल मैंने इतना पीआर और इतना मार्केटिंग में करने, मैंने कहीं नहीं देखा डीप स्टिक मतलब अभी तक जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं मैंने कभी ये देखे नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मीटअप्स हो रहे हैं अभी तक मैंने देखे नहीं है कि पीआर एजेंसीज को अप्रोच किया जाए जरूरत नहीं है सो, 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 बट फिर भी, भी, कर, फिर रहे हैं। भी कर रहे हैं पी आर एजेंसीज को अप्रोच करके उनके साथ काम कर रहे हैं आप देखो तो जितने प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं मतलब ये वो होता है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सारी चीज़ें होंगी बट फिर भी करना जरूरी है और वो सिखाते हैं और सिखाती हुई पार्टी ये आई है सो राइट right. वो बहुत सही है सो so अभी हम बॉलीवुड पर आते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते तो बॉलीवुड में मतलब आप तो हो ही मतलब आपको पता है कि बॉलीवुड में क्या अरे मुझसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं मैं बहुत एक छोटा सा प्यादा हूँ ये चीज का प्यादा भी नहीं बोल सकता हूं। मैं हो सकता है कि वो जो प्यादे बॉक्स में पड़े रहते हैं उन उनमें से एकाध दूंगा तो है बट बत... रियलिटी देखनी है मुझे मतलब जैसे कि हमने फिल्मों के बारे में तो बात की लेकिन एक अच्छी साइड जो बॉलीवुड में हो और एक गंदी साइड गंदी साइड में मैं एज अ कंसिडर करना चाहूँगा कि सुसाइड होता है नेपोटिज्म, फिर लाइक मर्डर भी होते हैं फिर मतलब देखा है पॉलिटिक्स भी घुस जाता है गंदी so, तरीके से सारी चीज़ें मतलब मैं सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर नहीं बोलूँगा पॉलिटिक्स तो सब जगह पे है मतलब राइट right. वो तो आप अगर रीजनल सिनेमाज भी देखेंगे तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स हुआ है जैसे मैंने बोला कि हर डायरेक्टर के अपने फेवरेट लोग रहे हैं और है उसी के साथ वो प्रोजेक्ट्स करते हैं तो द सिमिलर वे बॉलीवुड में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको काम करवा करवा के जैसे मैं एक मूवी का नाम लूंगा कि दबंग मूवी सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कि शी विल नॉट डू वो भाई की वजह से सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है एंड फिर क्या हुआ पता नहीं बट मोनी रॉय सिलेक्ट हो गई थी दबंग थ्री के लिए और फिर क्या हुआ पता नहीं मोनी रॉय को हटा के वापस से सोनाक्षी तो सिन्हा आ गए और अगर मैं गलत हूँ तो स्पेशल थैंक्स में नाम भी है <laughs> क्यों है तो चीज़ें हैं तो हर सिक्के की दो पहलू होते हैं कि एक सही और एक गलत और हो सकता है कि जैसे आज की जनरेशन पीओवी कहती है पॉइंट ऑफ व्यू हमारा अलग है उनका अलग है <laughs> तो तो वो है कि हर किसी की अपनी तरीके अपनी तरीक़े हैं अपनी अपनी चीज़ें हैं तो वो तो रहेगा और सुसाइड 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 सी सुशांत सुशांत को मैं बहुत बार मिलाऊं सात से आठ बार मैं सुशांत को मिला हूँ काफ़ी कन्वर्जेशन्स मेरी रही है आ, अच्छे रिलेशन, अच्छे रिलेशंस रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ सो आ, जब मानव का किरदार निभाने के लिए उन्होंने पहली बार सीरियल का प्रमोशन करने के लिए आए थे यहाँ पे हाँ। आ, मैं तब से उनके कनेक्शन में था और काफ़ी सारी बातें हुई हैं इवन दो एक बार मैं मुंबई में फंसा था तब सुशांत ने मुझे हेल्प की थी ट्रैफिक में से निकलने के लिए और वरना मैं मेरी फ्लाइट चली जाती और उस टाइम पे मैं फ़्लाइट दूसरी अफोर्ड कर पाऊँ वैसा नहीं था बट बहुत दिलदार बंदा था यार मतलब वो कभी ये चीज़ सोच ही नहीं सकता कि सुसाइड किया जाए वही मैं सोच रहा हूँ कि जिसका वो रैंक सॉरी कौन सा आई में

तो मैं नहीं मानता कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड अटम्प कर सकता हैं क्योंकि वो बंदे के अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि भाई साहब जितनी भी बार आप वो बंदे को मिलते हो वो उसके आसपास का एकदम से और जो था वो पॉजिटिव कर देता है आपको अगर आप नेगेटिव बात लेके गए हो उसके पास तो फिर भी वो आपके साथ इस हिसाब से बात करेगा कि गजब बंदा है यार मैंने बॉलीवुड में मैं आज तक किसी को भी इस हिसाब से नहीं मिला हूं वेरी काइंड और दूसरे जो थे वो थे आ, खान साहब इरफान खान जो वेरी मतलब इतने पॉजिटिव लोग मैंने नहीं देखे हैं कि जो बहुत ही आसपास के लोगों को भी एकदम से कि हाँ भाई ये है और इनके साथ आप देखो कि ये आफ्टर डेथ कंट्रोवर्टी कंट्रोवर्सीज जो भी होती हैं वो अलग चीज़ें हैं बट मुझे ये पॉजिटिव और अगर किसी गलत इंसान के आसपास है तो वो पॉसिबल नहीं है आपको पता है मतलब क्या हुआ था मतलब अगर आप चीजें इतना डीप स्ट्रिक मुझे पता नहीं है मतलब वही है कि मीडिया ने जो दिखाया और जो हुआ फैमिली हुआ। मेंबर से मेरी बात नहीं हो पाई है बिकॉज़ uh, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं uh, सुशांत की फैमिली के साथ मिल पाया हूँ या ऐसा कुछ हुआ नहीं एक चांस था बट uh, मैंने वो गवा दिया था वैन ही घर में जब वो शिफ्ट हुए तभी उन्होंने बुलाया था फैमिली से भी मिलवाएंगे और उन्होंने मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी को भी इनवाइट करने के लिए बोला था बट हमारे घर की कुछ रिचूल्स थे उस टाइम पे तो मैं नहीं जा पाया था और आ, शायद गया होता तो आज उनके फैमिली से भी मैं कनेक्टेड होता बट हाँ वही है कि इतने इन और इतने डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है बट नहीं हो सकता है, मतलब, नहीं हो सकता मैं 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 नहीं मान सकता कि वो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है मैं नहीं मान सकता पर्सनली और वो मेरा ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं मैंने देखा है उस बंदे के साथ मैंने बात की है अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ ठीक है हम काफी टाइम से बैठे हैं तो मुझे इतना तो पता ही है कि आप क्या करोगे ठीक है राइट इतना सडनली आप यहाँ से खड़े होके कूद नहीं जाओगे वही, वही, वही। तो वो बहुत सिंपल लॉजिक है तो ये पॉसिबल ही नहीं है नहीं। ये पॉसिबल नहीं है रही बात की बॉलीवुड में वो बात वो सच थी मीडिया में पता नहीं वो नेगेटिव मार पी या था ये क्या था कि वो वो ड्रग्स के कारण स्टेरॉइड्स के कारण वो सब सस्ता सो पॉसिबली हो सकता है कि केसेस ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं okay. काफ़ी बड़े स्टार्स के बेटे उप, कहीं पे बातों में आए हैं उसके बाद ऑफिसर्स भी गलत साबित हुए हैं तो हर कोई चीज़ को मैं पीआर के साथ कनेक्ट नहीं करता हूं, बट हो सकता है

जब मैंने मेरी स्टोरीज कही कि मैं कहाँ पे था और मैं अभी क्या कर रहा हूँ तो वो बंदा अप्रिशिएट करता था सारी चीज़ें आपको इतना पॉजिटिविटी से भर देता कि आपको ऐसा लगे कि यार क्या बंदा है मतलब मजा आ गया मतलब वो एनर्जी का पावर बैंक था और आप बोलो कि वो बंदा नेगेटिव तो मैं नहीं मानता भाई साहब मैं। और वो राजपूत था मतलब तो खून भी उनका वो कैसा होता है वो हार ही नहीं मान सकते हैं लेकिन वो बहुत पहले आते पता हो कि वो नहीं, मतलब नहीं है इसे वो मुझे एक रीजन पूछना है कि आपको कौन सा रीजन लगता है कि इसकी वजह से ये शायद हो सकता है लाइक फैम कि उसकी फैम बहुत पहले ज्यादा थी धोनी के टाइम फिर गिर गई ऐसा हो सकता है या सुशांत की फैम कभी कम नहीं हुई उसकी फैम बड़ी है मतलब वो बंदा उस हिसाब से सोचता था और उसके okay. जो स्टेटमेंट रहे हैं उसका यही रहा है कि यार जितने लोग आसपास के हैं आज नहीं तो कल उनके लिए कुछ तो अच्छा काम करेंगे ठीक mm -hmm, है mm -hmm. तो वो फैम के बारे में इतना ज़्यादा सोचने वाला बंदा था नहीं बट हाँ परफेक्ट right. बहुत था काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब एमएस के साथ काफी सारा टाइम रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट वो बंदा टूट नहीं सकता इतना और रीजन तो वी डोंट नो द रीजन क्योंकि काफी सारी चीजें आसपास होती रहती होंगी तो बॉलीवुड है भाई साहब बॉलीवुड <laughs> के के एक्टर्स एक्टर्स भी अगर के को ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव okay, वे right. में मैं बोलूँ तो भी कुछ भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी बोलूँ तो कुछ भी हो सकता है तो वी डोंट नो आपने कभी ऐसा देखा हो मतलब कि पॉलिटिक्स और तो मतलब क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज बॉलीवुड वो मिले काफी वो। सारे examples हैं मैं मैं मैंने देखा हो वैसा तो ठीक है बट काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप ले सकते हो कि आ, आप और मैं अगर सेम फिल्म में काम कर रहे हैं तो मैंने आपके काफी रोल कटवा दिए हों वैसे एग्जांपल्स हैं है? सुने भी है सुने हुए भी हैं लोगों ने आ, 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 एक्ट्रेस जो है उनको चेंज करवाया हुआ है पूरे कास्ट को चेंज करवाया हुआ है पूरी कास्ट मतलब काफ़ी सारे कास्ट मेंबर्स को चेंज करवाया हुआ है दे आर नॉट कम्फर्टेबल दे दे डू इट अब जिनका मतलब अगर आज मैं ये चीज़ में मानता हूँ कि आ, दस साल होते हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपकी ज़िंदगी के पिक टाइम होता है, जहाँ पे आप अगर मिट्टी को छुओ तो वो सोना हो जाए हुँ. ठीक है तो वो जो दस साल होते हैं उसमें काफ़ी जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो बहुत बड़े भी बन गए हैं और वही दस साल में काफ़ी जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें गवाई भी हैं तो वो पॉसिबल है अरे तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जो स्टार अभी तक सुपर स्टार हो उसके बाद उसने उसके बड़े या छोटे पता नहीं कौन सा भाई लेकिन छोटे भाई ने कमेंट किया है कि वो उसको ड्रग्स देता था एक लॉकअप में बंद करके रखता था इसकी एक मूवी हुई होने के बाद मैं नाम आई थिंक नाम नहीं देख सकते लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है पॉसिबल है आज के जमाने में किसी को भी कोई भी कुछ भी कर सकता है सब तो आनंद अंबानी नहीं है जो अपने भाई को रामवानी ठीक राम तो है सही ठीक है, है, सही है, है सही तो है, है। आज की आज की जनरेशन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आ, सही तरीके से फैमिली मे, को मेरे को तो को क्या को से लेना लेकिन वो मैंने स्टेटमेंट सुना था आमिर खान के भाई के मतलब वो आया था स्टेटमेंट कि भाई वो था ऐसा था मेला मेला मूवी के बाद वो तो मीडिया में भी बहुत आया था हो सकता है तो हो क्या तो चल, चल रही है आप और मैं वही इल्यूजन का पार्ट है मैं बोलूंगा वो कुछ न्यूज बनेगी आप बोलेंगे वो कुछ न्यूज बनेंगी वो भी पॉसिबल है तो वो है। भी तो एक पार्ट है और आप positive, हमारी बातों में आप कुछ एक छोटा सा चंक लेके इसी को ट्विक करके पहले रील में डाल देंगे उसके बाद वहां पे पॉडकास्ट की लिंक डालेंगे ये भी तो एक पीआर है हो सकता है वी डोंट नो अबाउट दिस

इनकम ऑफ़ सोर्स वहाँ से ज़्यादा क्रिएट होती है बॉलीवुड से ओके okay. क्योंकि मूवी सिर्फ नहीं है उसके अलावा भी आप देखो तो अवार्ड फंक्शंस होते हैं काफ़ी प्रेजेंस होते हैं सो hmm. so, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका घर काफ़ी सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से चलती है पॉजिटिव साइड ही है इतना बड़ा इंडस्ट्री कोई दूसरी चीज़ का हो ही नहीं सकता आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा hmm. अगर एक फ्राइडे हजार करोड़ बनाने हैं इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है राइट एक मूवी से दो हजार करोड़ बन सकते हैं इससे बड़ा बिजनेस आप क्या कौन सा टर्नओवर आपका ऐसा है कि जो कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जिसके कौन से प्रोडक्ट हैं जो इतना पैसा बना के देंगे कई मूवीज है कि द, 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 दस तो दस, करोड़ खर्च किए और थाउजेंड में गए बहुत सिंपल है लॉजिक है ट्वेल्थ फेल मास्टर पीस स्लम वो भी एक था तो फिर भी बाहर से लोग आके बना के गए हैं लेकिन हाँ, आप ये देखो यहाँ पे फेल भाई साहब विक्रांत क्या बंदे ऐसा नहीं है कि नहीं है वो तो बालिका वधु <laughs> <laughs> तो से जानता हूँ दिख रहे अभी कुछ भी है नहीं मतलब अपना खुद का प्यार अब तो वो भी करेंगे एक वेब सीरीज के बाद दूसरी वेब सीरीज उनको मिली तो अब देखो अलग अलग, अलग कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं तो ये चीजें हैं कि आप तक क्या पहुँचाना वो बहुत मैटर करता है आप लोगों तक क्या पहुंचाते हैं वो बहुत मैटर करता है और यही सारी चीजें मिला के बनता है पी एर राइट समझे जो आप नेगेटिव गिनो तो भी वही है कि, कि किसी मूवी के प्रमोशन में आप किसी कंट्रोवर्शियल प्लेस को विजिट कर रहे हो या फिर आप पॉजिटिव गिनो कि आप वही एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हो और वही मंदिर के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर या वैक्सीन के ऊपर किसी के भी ऊपर आप मूवी बना रहे हो जो पॉजिटिव साइड्स हैं तो वही है। और जैसे बोला एक सिक्के की दोनों साइड होती हैं तो वो है बट एंड ऑफ द डे जितना वही बंदा है जिसके पास पी आर है <laughs> काफ़ी काफी सारे लोग हैं यहाँ के भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं और अपनी <laughs> अपने आपको, है। है, मतलब है। 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 आपको बॉलीवुड में ऐसा ऐसा कभी लगा मतलब ऐसा अभी दिमाग में एक बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब बहुत तगड़े एक्टर है तगड़े मतलब गजब के एक्टर हैं आप कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आप जानते भी होंगे जैसे मैं बोलूँ की क्योंकि मैं उनको आप जानते हैं बहुत जा। बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा कैरेक्टर प्ले करते हैं जब भी वो आते हैं आर माधवन क्लासी ठीक है फिर आप विक्रांत मैसी विक्रांत की बात करो देन बहुत सारे लोग हैं ऐसे आ, राजकुमार राव बट ये इरफान खान बट ऑब हॉलीवुड जाके आए हॉलीवुड में कितने अच्छे काम किए हैं ठीक है नशुद्दीन शाह नशुद्दीन साहब मतलब भाई साहब उनके लेवल पे एक्टिंग में कोई नहीं जा सकता मनोज वाजपेयी मनोज गुड जेम बहुत बहुत सही बहुत सही ये लोग कैरेक्टर को घोल के पी लेते हैं फीमेल्स में आप देखो दीपिका पदूकोण जो जो उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं कोई भी एक कैरेक्टर उठा के देख लो यानी पद्मावती का कैरेक्टर हो या फिर हाँ। एक गुजराती गर्ल का कैरेक्टर हो ठीक है या फिर मस्तानी का कैरेक्टर हो आप देख लो एक ही सीन को उठा के आप देख लो मतलब वो है इनको दीपिका पदुखान को फिर भी उतना फेम मिला बट मैंने जो मेल कैरेक्टर के नाम लिए लिए हैं हैं जो एक्टर के नाम नाम उनको उतना फेम नहीं पंकज है है बहुत है। ज्यादा नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़ा नाम भाई साहब मुन्ना भाई एमबीबीएस में थप्पड़ खा रहे थे किसी ने नोटिस नहीं किया बंटी बंटी और बबली में पंकज त्रिपाठी वो देर किसी ने नोटिस नहीं किया अब बड़े बन रहे हैं <laughs> तो एवरीवन इज नोटिसिंग इन्होंने कभी पीआर यूज नहीं किया राइट right. कभी वो एयरपोर्ट पे नहीं दिखे कैमरे के, के साथ उन्होंने कभी अपने आप ये इल्यूजन बनाने की जगह उन लोगों ने बस अपने काम पे फोकस किया सो so, इसलिए अब देर से बड़े बने अगर इन्होंने पीआर स्ट्रेटजीज यूज की होती तो ये शॉर्टकट है ये शॉर्टकट्स है एक चीज भी है मतलब ये जो इन ये हमने जितने भी नाम लिए उनकी जब भी मूवी आते हैं

Uh, जो काफ़ी सारी जगह पे अच्छे काम करते हैं लाइक हाईलाइट करूँगा शाहरुख खान खान साहब ने अभी रिसेंटली जो दुबई की जेल में कुछ लोग हमारे बंद थे uh, वो रियल था यहाँ इट्स अ रियल पार्ट यहाँ इट्स अ रियल पार्ट सही में खान साहब खान साहब इन्वॉल्व हैं इसमें खान साहब इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू मतलब दुबई के लिए तो वो सारी चीज़ों में खान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है देखिए ट्विटर में कहा ना मतलब ओके वो वो समझ सकता हो कि वो बाद में करवाया होगा क्या पता मतलब क्यों कौन क्या किसके लिए क्या बोल रहा है लेकिन सब जगह पे रूल्स तो रहे हैं वो तो आप देखो सलमान खान सलमान खान साहब एन के साथ साथ काफी सारी चीजें करता है बाहर नहीं आती है उस बंदे को अगर किसी ने कुछ बोला है तो आप भाई साहब आप अपना खुद का बॉन्ड मेरो आपके सगे भाई को नहीं दे सकते जो पेन होता है ठीक है आप खुद का बॉन्ड मेरो निकाल के आप अपने सगे भाई को नहीं देख सकते mm -hmm. बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो इंजेक्शन लगते हैं वो बहुत पेनफुल प्रोसेस आई आई नो नो सलमान खान ने अपना बॉन्ड मेरो निकाल के दिया है यार एक फैन की लड़की को अपना बॉन्ड मेरो निकाल के दिया है प्रोसेस खुद सारा खर्चा लिया सो आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस पीपल बट उनके भी अच्छी साइड्स हैं लेकिन जो दिखेगी नहीं वो चढ़ गए मतलब, मतलब क्योंकि वो लोग दिखाया नहीं रहे वही है उनको जो चाहिए उनको जरूरत नहीं है कि वो फोन करके बुलाए एयरपोर्ट पे या फिर गाड़ी में से उतरते वीडियोस दें उनको जरूरत नहीं है ये ये बाय नेचर हो रहा है उनके लिए जिनको जरूरत है हमारी इंडस्ट्री की बात हो रही है ऐसा कुछ है जिनको जरूरत है तो उसके लिए इट सीम्स लाइक दिस पी और बॉलीवुड तो थोड़ा थोड़ा जान लिया बहुत टाइम भी लिया है आपका सो लास्ट क्वेश्चन इज कि मतलब बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है और साउथ में फेवरेट एक्टर कौन है जिसको आपको मिलके बहुत ही खुशी मिलती है और गुजराती में कहेंगे आप तीनों मतलब तो करना आपका पी आर भी करना पड़ता है और मतलब अच्छी तरीके से जवाब देना क्योंकि फंस ना जाओ नहीं ऐसा <laughs> तो नहीं है आ... नहीं। से गुजराती इंडस्ट्री में अभी तक मतलब मैं मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं और फ्रेंकली स्पीकिंग गुजराती इंडस्ट्री में मेरा कोई फेवरेट नहीं है ओके okay. तो वो उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा कि uh, कोई भी नाम ले लेना वो फेवरेट बना देने की बात नहीं है बॉलीवुड के अंदर या yeah, uh, बहुत uh, सारे स्टार्स को मिला हूँ लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट इज़ भाई सलमान भाई 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 के आगे कुछ 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 नहीं है भाई भाई है। और भाई के साथ मेरे किस्से बहुत पुराने हैं और भाई भगवान बनके आए हैं काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे साथ वो वो किस्से रहेंगे और रही बात हॉलीवुड की और साउथ की हॉलीवुड में मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो दो लोग हैं

Okay. फिर उन्होंने नाम बदल दिया सो यस यहाँ पे शूट था पंद्रह दिन का शूट था यहाँ पे और पंद्रह दिन का शूट था और मैं दिवाली पे मिला था बिकॉज ऑफ रणदीप हु दिवाली के दिन आई वॉज देयर एट होटल एंड मैंने रणदीप सर को फोन किया और पूछा कि इज इट पॉसिबल टू मीट और उन्होंने फिर बोला कि हाँ हाँ अभी आते ही होंगे

सो so, मैंने ऐसे करके सेल्फी लिया है मतलब देखो देखोगे मेरी पाँच दस से थोड़ी हाइट ज़्यादा है ग्यारह नहीं बट पाँच दस से थोड़ी ज़्यादा बट ऐसे मैं ले रहा हूँ तो वो बंदा फिर भी फ्रेम में नहीं आ रहा था तो हाइट वाइट बहुत तगड़ा और भाई साहब खो जाओ आप उसको देख के बंदे की लिटरली नीली आँखें हैं मतलब आप खो जाओ भाई साहब उसमें ऐसी आँखें हैं उसकी तो साउथ में मैं, मैं बोलूँगा तो साउथ में एक बंदा है जो मतलब मुझे बहुत टच करता है क्योंकि उसकी सारी मूवीज आप उठा के देख लो दो बंदे हैं वैसे बट एक बंदा ज्यादा टच करता है तो वो है सुपरस्टार विजय थालापति या थालापति थालापति विजय इज और वो बंदा भाई साहब नहीं मिल पाया यार अभी बॉलीवुड के किसी भी स्टार को मिलना बहुत ईजी है और उनको साउथ के किसी भी स्टार को मिलना बहुत टफ बहुत टफ बहुत टफ है आप ऐसे नहीं मिल सकते आप देख लेना कि अल्लू अर्जुन है या फिर रामचरण है या फिर सूर्या है किसी के भी साथ जूनियर एंटीआर है किसी के भी साथ किसी के भी फोटोज आप कहीं पे नहीं देखोगे ऐसे इट्स नॉट इजी टू मिट ये तो विजय सेतुपति का अभी मूवी आया उसने बॉलीवुड में मूवी किया कैटरीना के, के साथ दैट्स वाई पीपल मेटअप अदरवाइज साउथ के लोगों को आप रजनीकांत के साथ कौन किसकी फोटो आपने देखी है नहीं मिलेंगे ऐसे फैन फोटोज नहीं मिलेंगे तो वो है वो एक तमन्ना रही है एम एस <laughs> के साथ और विजय के साथ मिलना तो वो पहले से एक है देखते हैं अभी विजय ए पॉलिटिकल okay. पार्टी एंड अभी अगर इलेक्शन इलेक्शन लड़ लिया तो फिर मिल लेंगे ठीक है एम एस धोनी को मिलना भी इतना ही टफ है वो बंदा फोन ही नहीं रखता है आप कैसे <laughs> मिलोगे यू कान्ट्रेक हिम फोन नहीं मतलब? नहीं मतलब फोन फोन है उसके पास वो फोन यूज नहीं करते हैं सर मतलब ए, ओके। यू कैंट व्हाट्सअप हिम और उसके पास जो फोन है उनके पास वो फोन वो कहीं पे भी रख देते हैं साथ में लेके घूमते हैं वैसा नहीं है मतलब परे हैं उनके लिए सब कुछ मोह माया से तो इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा है कि ये टू मिट एमएस धोनी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं अब देखते हैं कब मिलेंगे

आपको मजा आया बस अच्छा है और क्या चाहिए वो कुछ चीजें हैं इनसाइड आउट हर चीज की रहेंगी पी भी है तो काफी सारी चीजें मैं भी नहीं बोल सकता काफी सारी चीजें आपने पूछी भी नहीं है पूछना <laughs> नहीं चाहते थे तो वो चीजें चलती रहेंगी और फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने ठीक है तो वही है लोगों की अज्ञानता वहीं से बढ़ती है आपको और मुझे भी आधी चीजें पता है तो वही है ठीक है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मच निश्चित भैया आने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी